हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका कनेडियन दोस्त और आज की वीडियो बहुत ही अच्छी अच्छी न्यूज़ से भरी हुई है, क्योंकि जी ऑन्टेरियो एज वेल एज पूरा कनाडा रीओपन हो चुका हुआ है, रिस्ट्रिक्शंस कम हो रही है, नंबर ऑफ केसेस कम हो रही है, वैक्सीनेशंस इंक्रीज हो रही है, एज वेल एज जो सर्विसेज हैं वो भी खुल रही है, जैसे कि VFS एंड बायोमेट्रिक्स। तो इस वीडियो के अंदर जैम पैक्ड इन्फॉर्मेशन होने वाली है, सो मेक श्योर कि आप वीडियो को पूरी एंड तक देखना, क्योंकि बहुत ही अच्छी अच्छी न्यूज़ होने वाली है इस वीडियो के अंदर। एंड वीडियो को शुरू होने से पहले ही लाइक कर दीजिए, उससे थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन मिलता है एंड ऐसी ही वीडियोस मैं आपके लिए लेके आया करूँगा। सो विदाउट एनी अडू चलते हैं मेरे कंप्यूटर के अंदर, जिसके अंदर मैं बताता हूँ आपको सारी डिटेल्स। सो लेट्स बिगिन। सो जी, जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, ऑटवा ने ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस को कम कर देना है एंड कुछ एक यूनिवर्सिटीज़ है जो वैक्सीनेशन को मैंडेटरी कर रहे हैं, ताकि रीओपनिंग के तहत वो अपना कैंपसेस खोल सके एंड सभी लोगों को इन पर्सन क्लासेस दे सके। सो दिस इज़ ग्रेट न्यूज़। बट अगर आप अनवैक्सीनेटेड हो, मेक श्योर कि आप एटलीस्ट एक डोज तो लगवा ही लो वैक्सीनेशन की। दूसरे के अंदर आते हैं जी, यहाँ पे डग फोर्ड देख सकते हो, वो कह रहे हैं कि फर्स्ट फेज ऑफ रीओपनिंग तो हो गई है एंड स्टेप टू के अंदर जाने के लिए भी वो इंक्रीज्ड स्पीड पकड़ रहे हैं, क्योंकि यूजुअली 21 डेज का उन्होंने टाइम पीरियड रखा हुआ था दो फेजेस के अंदर। बट जिस हिसाब से नंबर ऑफ केसेस डिक्रीज हो रहे हैं, वैक्सीनेशन इंक्रीज हो रहे हैं, वो हो सकता है कि फेज टू जो है रीओपनिंग का वो जल्दी कर दे अपने प्लान डेट से, विच इज़ ग्रेट न्यूज़। यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो जी, ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस विद इन प्रोविंसेस भी खुल रहे हैं, तो ऑटवा और जो क्विबेक का रिस्ट्रिक्शंस था, ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन था विद इन बॉर्डर्स, वो भी खुलने वाला है। सो काफ़ी बढ़िया काम होने वाला है एंड बहुत ही ज़्यादा ट्रैवल रिलेटेड एक्टिविटीज़ होने वाली है जुलाई के अंदर स्पेसिफिकली। बट जी, थोड़ी सी गुड न्यूज़ के साथ एक बैड न्यूज़ ये भी है कि जो डेल्टा वेरिएंट है, बेसिकली जो इंडिया वाला वेरिएंट है, उसके हॉटस्पॉट्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं। 3 हॉटस्पॉट्स आ चुके हैं ऑन्टेरियो के अंदर एंड उनको क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है। सो होपफुली उसकी वजह से जो रीओपनिंग है वो डिले ना हो। बट अच्छी न्यूज़ बहुत सारी आ रही है, क्योंकि लोगों की वैक्सीनेशंस इंक्रीज़ हो रही है, सो दिस इज़ नॉट दैट कंसर्निंग। तो जी, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप ट्रैवल करना चाहते हो तो इनडायरेक्ट रूट जो है वो अभी भी खुले हुए हैं। मैंने 3 वीडियोस इसके ऊपर पहले ही बना चुकी हुई है एंड काफ़ी लोग वो देख के बुक ऑलरेडी करा चुके हैं एंड इवन कैनेडा पहुँच भी चुके हैं, जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। ये पर्सन मेरा एक सब्सक्राइबर है एज वेल एज इंस्टाग्राम पे फॉलोअर है, उन्होंने मुझे मैसेज किया था कि उनके पास करेज नहीं था कि पहले वो इनडायरेक्ट रूट ले, बट क्योंकि उन्होंने मेरी वीडियोस देखी, सारे क्वेश्चंस उनके रिसॉल्व हो गए थे एंड उनको करेज मिला कि वो मेक्सिको के थ्रू आए एंड अब वो कनाडा के अंदर पहुंच भी चुके हुए हैं। सो ऐसी जब न्यूज़ मिलती है ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है कि भाई मेरी वजह से एटलीस्ट किसी बंदे का भला हो सका, कि वो जल्दी से जल्दी कनाडा आ सका। एंड नेक्स्ट वीडियो के अंदर जी, मैं लेके आने वाला हूँ कायरो एज वेल एज मस्कैट वाले रूट्स। तो इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड, मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल, ताकि आपको सभी लेटेस्ट न्यूज़ मिलती रहे। मैंने सर्बिया वाला रूट, मेक्सिको वाला रूट एज वेल एज इथोपिया वाला जो रूट है उसको ऑलरेडी कवर के रखा हुआ है। इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड, डू चेक दैट आउट। इथोपिया वाले रूट से जो भी लोग आ रहे हैं, आपके लिए लेके आया हूँ न्यूज़ की भाई वहाँ पे इथोपिया के अंदर जून 21 के अराउंड जो है इलेक्शंस होने वाले हैं, तो वहाँ पे इट इज़ पॉसिबल कि वायलेंट डेमोन्स्ट्रेशंस हो सकती है, सो ध्यान से जाना। अब आते हैं जी बहुत ही अच्छी न्यूज़ के ऊपर। सो काफ़ी लोग बोल रहे थे कि VFS कब ओपन हो रहा है। सो VFS ग्लोबल के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से अनाउंसमेंट आ चुकी है कि VFS जो है वो ओपन होने वाला है जून 21 से, विच इज़ वेरी ग्रेट न्यूज़। एंड यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, ये वेब फॉर्म के थ्रू आप खोल सकते हो एंड जब वेब फॉर्म खुलता है तो लगता है कुछ ऐसा जिसके अंदर आप वैक के अंदर स्केड्यूल कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारी डिटेल्स है। कल या परसों जब ये अनाउंसमेंट हुई थी, तब बहुत ज़्यादा लोग इसके ऊपर एकदम से जड़ गए थे, तो ट्रैफिक की वजह से साइट्स क्रैश हो गई थी। अब वो फिर से ऑनलाइन आ गई है जैसे कि मुझे दिख रहा है। सो आप जल्दी से जल्दी इसको करवा लीजिए। एंड सेम इज़ द केस विद बायोमेट्रिक्स। सो बायोमेट्रिक्स जो है वो भी जून 17 से शुरू हो गए हैं। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, बहुत ही अच्छी अच्छी न्यूज़ आई है एंड थोड़ी बहुत सर्विसेज खुलनी शुरू हुई है। ऑब्वियसली ये फेज्ड अप्रोच के अंदर होगा कि जो जिन लोगों की सबसे ज़्यादा इनिशियल रिक्वायरमेंट है उनको प्रोवाइडेड किया जाएगा ये सब। सो स्टूडेंट्स आ जाते हैं, इसी के साथ साथ वर्कर वीज़ा एज वेल एज अगर COPR को चाहिए होते तो उनके लिए भी ये ओपन होने लगेगी, बट इन फेजेस। काफ़ी लोगों के क्वेश्चन थे कि अगर उनका एक्सपायर्ड है डॉक्यूमेंट्स तो क्या वो बायोमेट्रिक्स करवा सकते हैं। सो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि बायोमेट्रिक्स एक तो फ्री है एंड जो वैक्स है वो कंटिन्यू करेंगे एक्सपायर्ड BILs को भी। सो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है एंड बार बार आपको IRCC को रिक्वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप एक्सपायर्ड वाले के साथ भी काम चला सकते हो। एंड इन्होंने ये भी स्पेसिफाई किया है
कि अगर सर्विसेज खुली है इसका मतलब ये नहीं कि ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस खुल गए हैं, क्योंकि अभी भी सिर्फ असेंशियल जो ट्रैवल है वही ओपन है। असेंशियल ट्रैवल हो जाता है जैसे स्टूडेंट्स है, वर्कर्स है, पीआर है, सिटीजन्स है, वो सब असेंशियल के अंदर आते हैं। मैंने इसके ऊपर पहले भी एक वीडियो बनाई थी, आप उसके जाके चेक कर सकते हो या गूगल के ऊपर सर्च कर सकते हो असेंशियल ट्रैवल फॉर कैनेडा। एंड इसी के साथ साथ इन्होंने एक और बहुत अच्छा ट्वीट किया है जो बहुत ही रेलेवेंट भी है इस टॉपिक से, क्योंकि काफ़ी लोग जो है वो बहुत ही एंग्शियस है, उनको लगता है कि भाई उनका नंबर जल्दी आ जाए तो वो मल्टीपल वेब फॉर्म्स रेज कर देते हैं। एंड उन्होंने स्पेसिफाई किया हुआ है कि मल्टीपल वेब फॉर्म्स ना रेज करो, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारे लोग जो है वो एकदम से अप्लाई करेंगे, सो थोड़ा सा रिस्पॉन्स के लिए उनको टाइम दो, क्योंकि एकदम से इतने ज़्यादा एप्लीकेशन आ जाएंगे तो सभी को तो वो एक टाइम पे रिस्पॉन्स नहीं दे पाएंगे, सो थोड़ा सा पेशेंटली वेट करो, सभी का रिस्पॉन्स आएगा एज पर देयर ट्वीट। अब आते हैं जी इस वीडियो की सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के ऊपर। तो मुझे एक सब्सक्राइबर ने ये ईमेल भेजा था जिसके अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ कनकोडिया ने ट्रैवल अपडेट दी थी अपने सभी स्टूडेंट्स को जो फॉल 2021 के अंदर आ रहे हैं। सो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि जून 9th को जो कैनेडा गवर्नमेंट ने न्यूज़ प्रोवाइड की थी उसके अकॉर्डिंगली इन्होंने ये सर्कुलर प्रोवाइड किया है अपने स्टूडेंट्स को, जिसके अंदर लिखा है कि इंडिविजुअल्स ऑथराइज टू एंटर इन कैनेडा विच ऑल्सो इंक्लूड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आर exempt from staying in government approved quarantine centers provided they meet these three conditions. So जी ये conditions होनी चाहिए जिसके accordingly आप 3-day hotel quarantine को exempt कर सकते हो, बिल्कुल फ्री हो सकते हो, आपको पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे होटल क्वारंटीन के। उसके लिए आपको फुली वैक्सीनेटेड होना चाहिए एंड 14 डेज आफ्टर योर सेकेंड डोज ट्रैवल करना चाहिए। ये तो पहले भी जो इन्होंने रिकमेंडेशन दी थी उसके अंदर भी यही कवर्ड किया था, एंड ऑब्वियसली जो ऑथराइज्ड वैक्सीनेशंस है वही होनी चाहिए। तो ये है फर्स्ट पॉइंट जो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। नेगेटिव प्री डिपार्चर टेस्ट जो RT-PCR टेस्ट होता है, वो नेगेटिव COVID-19 टेस्ट आप लेके आओ, तो आप इंडिया से करवा के आओगे वही 48 आवर्स से 72 आवर्स के बीच में वो चाहिए होगा यहाँ पे, जो कि अभी भी रिक्वायरमेंट है। एंड टेस्टिंग अपॉन अराइवल जो आपको करना पड़ेगा, एंड सूटेबल क्वारंटीन प्लान होना चाहिए। सो मैंने आपके लिए पहले ही एक क्वारंटीन प्लान वाली वीडियो बना के रखी हुई है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी मेक श्योर कि आप उसको देख लीजिए। बेसिकली उसके अंदर आपको प्रोवाइड करना होता है कि आप कहाँ पे रहोगे, कहाँ पे क्वारंटीन करोगे, आपका हाइजीन कौन मेंटेन करेगा, खाना पीना कहाँ से करोगे, फाइनेंसिस कहाँ से करोगे। सो वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं पहले ये वीडियो के ऊपर बना चुका हुआ हूँ, मेक श्योर कि आप उस वीडियो को चेक कर लीजिए। सो अगर आपके पास ये तीन चीज़ें होगी सो यू कुड बी एक्सेम्प्ट, विच इज़ रियली ग्रेट न्यूज़। एंड मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये हो सकता है, अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं भी हो, अगर आप अनवैक्सीनेटेड हो तब भी आप ट्रैवल कर सकते हो, एज सच कोई इशू नहीं आएगा कि आपको बोलेंगे कि यू कांट ट्रैवल, यू कैन ऑब्वियसली ट्रैवल बट आपको होटल क्वारंटीन करना पड़ेगा। सो ये आप अपने कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ को पूछ लेना, क्योंकि इट इज़ पॉसिबल कि कैनेडा गवर्नमेंट ने कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ को पहले ही कोई गाइडलाइंस दी हो बिफोर अप्लाइंग दिस रूल, जैसे कि वो एयर कैनेडा को करते हैं। सो कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं कि आपको ये वाली न्यूज़ कैसे लगी है, क्या आप एक्साइटेड हो? ऑब्वियसली सभी लोगों के पैसे बचने वाले हैं इसके अंदर, मैं तो भाई बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि यहाँ पे रीओपनिंग हो चुकी हुई है, ऑन्टेरियो के अंदर भी सारा कुछ खुल चुका हुआ है एंड बहुत ही अच्छी वाइब्स आ रही है। सो जल्दी जल्दी आप आ जाइए, क्योंकि समर ही ऐसा टाइम होता है जिसके अंदर बहुत सारे लोग एंजॉय करते हैं, विंटर्स के अंदर ऑब्वियसली थोड़ा सा लोग इनडोर्स रहते हैं एंड ग्लूमी हो जाते हैं। सो बहुत ही अच्छा टाइम है ट्रैवल करने का, एंड बहुत अच्छी न्यूज़ भी आ रही है ट्रैवल के अकॉर्डिंग। सो इट इज़ पॉसिबल कि ये जुलाई मिड के अंदर अप्लाई हो सकता है, क्योंकि पहले पीआर एंड सिटीजन्स के साथ बोल रहे थे बट अब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी इसके अंदर कवर हो सकते हैं। सो कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी, मेक श्योर कि इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए, एंड ऑब्वियसली अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड, स्टे सेफ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।